हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ड्राई चिकन मसाला। और उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन। घी लेंगे 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, ये होममेड घी है। तंदूरी मसाला लेना है 1/2 टीस्पून। नींबू लेंगे आधा। धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। नमक लेंगे स्वाद अनुसार। ग्रीन मसाले में 1 अक्खा लहसुन लेना है, 1 टुकड़ा अदरक लेंगे, थोड़ा सा पुदीना लेना है, 4 हरी मिर्ची लेंगे और थोड़ा हरा धनिया लेंगे। सूखे मसाले में हम 2 तेज़पत्ता लेंगे, 8 से 9 काला मिरी लेंगे, 2 लौंग लेना है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 2 जावित्री। टमाटर का पेस्ट लेना है। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर का पेस्ट बना के रखी हूँ। और 2 प्याज का बिरिस्ता लेना है। सब में पहले हम चिकन को फ्राई करके लेंगे। इसमें कोई मसाले नहीं ऐड करने हमें। और जो लेग पीस है उसे इस तरीके से कट करना है। मैंने कढ़ाई रखी हूँ गैस पे और तेल हमारा गर्म हो चुका है। गैस को थोड़ा कम कर दूंगी और चिकन फ्राई करने डालूंगी। इसे हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का फ्राई करके निकालेंगे। ग्रीन मसाला पीस के लेंगे हम। मिक्सी पॉट ली हूँ मैंने, इसमें सब ग्रीन मसाला ऐड करूंगी। पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और हरा धनिया। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे। ग्रीन पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से बारीक करना है। इसे प्लेट में निकाल दूंगी मैं। इसी मिक्सी पॉट में हमें बिरिस्ता भी पीसना है। इसे साइड में रख दूंगी और बिरिस्ता डालेंगे अभी। इसे भी बारीक पीसना है हमें। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बारीक पेस्ट बनाएंगे। बिरिस्ता पीस के तैयार है और मसाले का पानी भी इसमें थोड़ा सा ऐड की हूँ। चिकन की तरफ आएंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, बस हमें यही कलर चाहिए। इसे निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल ऐड की हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अभी सूखे मसाले सब ऐड करेंगे। इसे हल्का सा भूनेंगे 1-2 सेकंड तक। अभी इसमें ग्रीन मसाला ऐड करूंगी जो पीस के रखा है। गैस को बारीक रखना है और मसाले को अच्छे से भून के लेना है। बस इस तरीके से बारीक आंच में इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भून के लेंगे। ग्रीन मसाला हमारा भून के तैयार है। अभी हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। नमक डालूंगी पहला स्वाद अनुसार। तंदूरी मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून है। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। टमाटो पेस्ट डालूंगी मैं। तीन चम्मच डालूंगी। अभी गैस को फास्ट करेंगे और इसे भून के लेंगे अच्छे से मसाले को मिक्स करके। अभी इसमें बिरिस्ता डालूंगी जो पेस्ट करके रखा है, वो ऐड करूंगी। इसका पानी हम बाद में डालेंगे मसाला भूनने के बाद। इसे अच्छे से भून के लेंगे हम 2-3 मिनट तक धीमी आंच में। मसाला हमारा भून के तैयार हो चुका है और इसमें अच्छी खुशबू आने लगी है।
अभी गैस को कम करेंगे, इसमें मसाले का पानी भी ऐड कर देंगे। मिक्स करके लेंगे। नींबू का रस डालूंगी आधा, इसे भी मिक्स करेंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके लेंगे अच्छे से। चिकन हमारा मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स हुआ है। अभी इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ। इसमें हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, ये सूखा चिकन बनता है। और थोड़ा बिरिस्ता डालेंगे, थोड़ा सा मैंने बचा के रखी थी। और इसमें एक चम्मच घी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करके लेंगे अच्छे से। चिकन मिक्स हो चुका है अच्छे से। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डालेंगे बस, काफी है। अभी हम दम पे रखेंगे इसे 10 मिनट के लिए बारीक आंच में, ढक्कन से ढक के। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाऊंगी मैं। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। एक बार चम्मच से चलाएंगे इसे, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें। ड्राई चिकन मसाला तैयार है, इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। ड्राई चिकन मसाला तैयार है। आप इसे रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।